श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन में यह वृक्ष कटा हुआ आप देख रहे हैं। यह वृक्ष काट दिया गया है। यह एक सूखा वृक्ष है। सूखे वृक्ष को काट के हटा दिया गया है। यह स्थान वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित मदन टेर का है। इस वृक्ष को हटा दिया गया है। ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई थी, तो ये देखिए झाड़ियाँ दिख रही हैं। क्योंकि यह वृक्ष सूख गया था, इसीलिए इसे काट दिया गया है। और वृंदावन में लता पताएं साक्षात राधा रानी की सखी हैं। इनसे रोकर प्रार्थना करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। युगल सरकार के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। इन्हें साधारण लता पता मत समझिएगा। वृंदावन का एक एक पत्ता राधा राधा नाम बोलता है। और यह मदन टेर वह स्थान है जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान अपने गैया बछड़ों को देखा करते थे, पुकारा करते थे, निहारा करते थे। यह वह स्थान है जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े महाराज रहकर साधना करते थे। ये देखिए एक वृक्ष यहाँ पे काटा गया है और पीछे भी एक वृक्ष की एक शाखा को काटा गया क्योंकि वो सूख गई थी। देखिए हरिवंश महाप्रभु जी जब वृंदावन धाम आए थे तो मदन टेर में ही रुके थे। यहाँ पर बगल में ही ऊंची ठौर है। इसी स्थान पर यहीं बगल पीछे की तरफ ऊंची ठौर है। राधा वल्लभ लाल जी को ऊंची ठौर में स्थापित किया था। हित 84 मदन टेर में ही पूरी की थी। तो ये मदन टेर बहुत ही शांत एकांत क्षेत्र है। इसके दर्शन करने से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। यहाँ भगवान का नाम जाप करने से, मंत्र जाप करने से मन शीघ्र लगता है। यहाँ की लता पता बहुत सुंदर, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हैं। ऐसा दृश्य वृंदावन में कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि आज लता पताओं को काट कर सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए ऊंची ठौर यहीं बगल में आपको दिख रहा है। यहीं पर हरिवंश महाप्रभु जी विराजे थे, राधा वल्लभ लाल विराजे थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।